हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं विशाल। आज हम बात करेंगे SSC शर्मिला पर 2023 का जो एग्ज़ाम होना है उसके सिर्फ 12 दिन बचे हैं हमारे पास, 12 से 13 दिन है ना। तो अभी अगर हम देखें तो बहुत कम टाइम है, लास्ट का समय है। तो लास्ट के समय में हम ऐसा क्या करें कि हमारी जो तैयारी है वो और बेहतर हो जाए, हमारा एग्ज़ाम जो है पास हो जाए। मैं आपको वही चीज़ें बताने वाला हूँ जो मैं करते आया हूँ आज तक। इससे मुझे 2 बार एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में हेल्प मिली है, ठीक है। एग्ज़ाम क्वालिफाई 3 बार भी किया है, बट जो ज्वाइनिंग है 2 बार ही करूँगा मैं। ऐसे इस बार भी 2022 में सिलेक्शन हुआ है, 2016 बैच में भी सिलेक्शन हुआ था, ठीक है। ओके चलो, तो हम देखते हैं कि हमें करना क्या, कैसे करना है। सबसे पहले बात करते हैं GS में आपको क्या पढ़ना है। ध्यान दीजिएगा बात को, GS में बहुत बड़ा सिलेबस है, कितना ही पढ़ लो ख़त्म नहीं होता, बात आप जानते हो। बट करंट अफेयर्स में जो चीज़ें आपको पढ़नी है वो आपकी स्क्रीन पर लिखी हुई हैं। ये चीज़ें आपको लास्ट के कुछ डेज बचे हुए हैं, बहुत ज़्यादा किसी भी सब्जेक्ट के, यानी कि अगर मैं बात करूँ फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, ठीक है ना, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, अभी वो समय नहीं कि आप उसमें घुसे हैं और उसको पूरा पढ़ें। अगर आप पढ़ना चाहते हैं उसको तो आपको ऊपर से ग्लिम्स लेना पड़ेगा थोड़ा बहुत, बस। बहुत ज़्यादा टाइम आप नहीं दे सकते, वरना आप अपनी प्रैक्टिस जो है वो ख़राब कर लेंगे, है ना। इस वजह से आपको देखिए पुरस्कार एक तो पढ़ लेने हैं, आपको अवार्ड्स पढ़ लेने हैं, प्राइजेस पढ़ लेने हैं, ठीक है। सब अलग अलग होते हैं, पिछले एक साल में जो खेल हुए हैं उसके विनर कौन रहे हैं, विजेता कौन रहे हैं वो पढ़ लेने हैं, ओलंपिक्स में पढ़ लेना है, पास्ट एंड फ्यूचर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, और आपको क्या बोल लेना, इंपॉर्टेंट डेज ऑफ लास्ट 6 मंथ्स, यानी डेज मतलब जैसे कि वुमेंस डे होता है ना, पर्यावरण डे होता है ना, इस तरह से जो भी डेज होते हैं लास्ट 6 मंथ्स के, उनको आपको ज़रूर से ज़रूर कर लेना है GS में। इतना कर लोगे ना, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ 5 से 6 नंबर तो यही आप कवर कर देगा। बाकी अगर कुछ पढ़ना है तो GS में स्टैटिक GS पढ़ लो बस, इसके अलावा भागने की अब ज़रूरत नहीं है, टाइम नहीं है। 12-13 दिन में ये दोनों चीज़ें आप आराम से कवर कर सकते हो, इसलिए मैंने आपको बताया है, ठीक है। और GS का सेट नहीं भी लगाओगे तो कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला नहीं उससे। सेट लगाने का मतलब ये होगा कि आपको शायद प्रीवियस सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे, उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ याद हो जाएगा बस, GS में उसके अलावा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। अब बात करते हैं रीजनिंग की। तो भाई रीजनिंग क्या करना है, देखो मैंने जो मेरा अपना बैच चलाया, मैंने आज से 2 महीने पहले शुरू किया था, उससे मैंने सारे टॉपिक्स आपको पढ़ा दिए, सब बता दिया, प्रैक्टिस करवा दी, प्रीवियस ईयर के सारे बहुत सारे क्वेश्चन आपको करवा दिए। उम्मीद करता हूँ जिसने भी बैच लिया होगा उसको अच्छे समझ में आया होगा, नहीं भी लिया है तो मैं यूट्यूब में भी कभी ना कभी थोड़ा बहुत गाइड आपको किया है उसके बारे में, ठीक है। मैंने हमेशा एक चीज़ फोकस किया है प्रीवियस ईयर के पेपर्स पर, मैंने कभी भी आपसे नहीं कहा कि चैप्टर वाइज क्वेश्चंस लगाओ, नहीं, क्योंकि आप इस स्टेज पर अगर हो, आपका एग्ज़ाम होने वाला है 1 से 2 महीना बचा है, तो आपको ऐसी स्टेज पर होना चाहिए कि आप चैप्टर वाइज क्वेश्चन को ना लगाएं, आप प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाएं, ताकि आपको पेपर का पैटर्न समझ में आए, प्लस उससे ही बड़ी बात है क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आए। तो अभी आपको क्या करना है, रीजनिंग उठानी है, उसके सेट लगाने हैं, बस बुक छोड़ देना, चैप्टर वाइज क्वेश्चन लगाना छोड़ देना, कोई चैप्टर एक्स्ट्रा पढ़ना छोड़ देना, आपको लगाना है सेट। और जिस भी सेक्शन में आपको प्रॉब्लम आ रही है, जिस भी आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, जिस भी चैप्टर में प्रॉब्लम आ रही है, सिर्फ उस चैप्टर को पढ़ना बस, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ उस चैप्टर को पढ़ना है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, बात आ गई समझ में। रीजनिंग में आपको सिर्फ ये करना है, प्रीवियस ईयर पेपर उठाओ, कब के उठा लो, पिछले 5 साल कर लो बस, 2017 से लेकर के 2022 तक के सारे सेट लगा लो, उसके अलावा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बताइए। इसमें में रीजनिंग आपको सिर्फ ही करना है, इधर उधर भागना मत, कुछ नया मत ट्राई करना, नहीं तो फंस जाओगे, बहुत कम दिन बचे हैं, ठीक है। ये वही चीज़ें बता रहा हूँ जो मैं करते आया हूँ, जिससे मुझे सक्सेस मिली। अब बात कर लेते हैं इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश में देखो आप क्या करना है, इंग्लिश में भी सेम प्रोसीजर रीजनिंग वाला, प्रीवियस ईयर पेपर्स उठाने हैं, ठीक है ना। अब उसमें आपको क्या करना है, आपको कोई चैप्टर उसमें अलग से नहीं पढ़ना है, कॉम्प्रिहेंशन और पोस्ट जैसी क्लास अभी भी चल रही है यूट्यूब में, मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो इंग्लिश प्रैक्टिस बैच की, उसमें 61 इंपॉर्टेंट रूल्स मैंने बताए हैं जो कि आपको अभी पढ़ने चाहिए, जिससे कि आपका फ़ायदा हो। बहुत सारे रूल्स होते हैं इंग्लिश में, इसमें से एरर्स आते हैं, आप सब तो एक साथ नहीं पढ़ सकते अगर अभी तक नहीं पढ़े हैं तो, और अगर पढ़ भी लिए हैं फिर भी वो रूल्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि उन्हीं के इर्द गिर्द जो आपकी एरर्स जो हैं आती हैं, इसलिए ज्वाइन बटन पर क्लिक करो और इंग्लिश प्रैक्टिस बैच ले लो, ठीक है। उसमें आपको PDF वगैरह सब मैं दे दूंगा, और 61 इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, करीब करीब 20 क्लासेस हैं उसकी, आपकी 15-15, 20-20 मिनट की, ठीक है ना, उनको आप देख सकते हो, और मैंने एग्जांपल से प्रैक्टिस करवाए हैं, बहुत ज़्यादा फायदा होगा उससे आपका, ठीक है। प्लस कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो रही है। अभी बातें मैं आपको बता क्यों रहा हूँ, क्योंकि ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, अगर ये दोनों चीज़ें आपने अच्छे से कर ली तो आप आधी इंग्लिश तो बहुत ही अच्छे से कर लोगे,
ठीक है। क्या करना है आपको इंग्लिश में, प्रीवियस ईयर के पेपर्स लगाने हैं, सारे वोकैब्स याद कर लेने हैं, सारे सिनोनिम्स एंटोनिम्स, ठीक है, ऐसे सारे लगा डालने हैं आपको। कॉम्प्रीहेंशन की प्रैक्टिस सब की तो नहीं करनी है, करीब करीब 10-15 की तो कर लो, उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं करने की, ठीक है, क्योंकि तो आपको आइडिया लग जाएगा वो करना कैसे है। और क्लोज टेस्ट आपका ध्यान रखिएगा, वोकैब्स से ही अच्छा होता है, बिना वोकैब्स के आपका क्लोज टेस्ट अच्छा नहीं हो सकता, ठीक है। बाकी जो चीज़ें आती हैं वो सारी आपको एक्टिव पैसिव हो गया, डायरेक्ट हो गया, प्रीवियस के पेपर लगा लोगे, इतना सीख जाओगे आपके, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, इसको आपको फॉलो करना है बिना कभी इधर उधर देखे, 12 से 13 दिन है जो बता रहा हूँ फॉलो कर लो, 100% आपको उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा और आपकी जॉब इस बार पक्की लगेगी, ठीक है। बाकी बैच ले सकते हो, नया ज्वाइन कर सकते हो, इंग्लिश प्रैक्टिस बैच, और वो आपको आगे एग्ज़ाम्स में भी काम आएगा, ठीक है, ओके रिपोर्ट है। तो चलो, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, कोई डाउट रहा हो तो इंस्टाग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जाके ज्वाइन कर सकते हो, कोई क्वेश्चन पर्सन मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। और वीडियो पसंद आई हो लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना, और जो भी बंदे तैयारी कर रहे हैं उनको वीडियो आप शेयर कर सकते हो, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।